क्या हाल है दोस्तों। तो मैं आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू वीडियो में। आप देख रहे हैं टीम हंटर या ऑलराउंडर, पता नहीं कौन सा चैनल देख रहे हैं। और मैं पहले ही बता दूँ कि यार ये एक नहीं दो चैनल पे अपलोड होगी, एक होगी ऑलराउंडर, एक होगी टीएच हर्ष। तो नहीं, एक होगी ऑलराउंडर, एक होगी टीम हंटर, नाम गलत ले लिया मैंने, सॉरी। तो यार आज के इस वीडियो में थंबनेल देखकर आप समझ रहे होंगे कि OP40 अपडेट तो देखो आ चुका है। मैंने एक वीडियो बना के रखी थी पर वो मैं अपलोड करना भूल गया था, तो सॉरी। पर अभी मैंने एक दूसरी वीडियो रेडी की है, मतलब यार मैं आपको बताने वाला हूँ OP14 अपडेट के सारे बंडल, जो भी ग्लूबल स्किन होंगे, वेपन्स के होंगे, जितने भी मुझे मिले हैं मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और जो मैंने वीडियो क्लिप्स यूज़ किया वो उसका पूरा क्रेडिट जाता है फ्री फायर लीक्स को। तो अगर आप अगर आपको वो वीडियो उसी चैनल पे देखने तो आप देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो चलिए हम फटाफट से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ OP14 के सारे बंडल्स। तो हमारा फर्स्ट बंडल है ये फीमेल का बंडल जिसका नाम है फॉर्म या टोटेम ऑफ विजडम बंडल, एक फीमेल का है जो आने वाला है किसी एक डायमंड के इवेंट में, जो ये या तो ये आएगा फेडेड व्हील के इवेंट में या तो आएगा किसी और इवेंट में। ये मेरे को 6th एनिवर्सरी का बंडल लग रहा है दिखने में। अगर आपको वीडियो की लिंक चाहिए तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये जो फ्री फायर लिंक चैनल है ना उधर से आप जाके देख सकते हो। मैं प्रो क्रेडिट दे रहा हूँ ताकि कॉपीराइट मुझे ना मिले। तो फ्री फायर लीग भाई प्लीज़ मुझे कॉपीराइट मत डालना, ओके। तो ये है फीमेल का बंडल जो ये आ सकता है या तो फेडेड व्हील में या तो वही टोकन टावर, तो आना बंद हो चुका है। एक वो टोकन व्हील इवेंट, पता नहीं ऐसा कौन सा एक इवेंट होता है जिसमें अभी पोकर MP40 चल रही है, वैसे एक इवेंट होगा जिसमें आ सकता है। नेक्स्ट है हमारे ये सोनिया करेक्टर का बंडल। मतलब यार आपको पता ही होगा यार कि OP40 अपडेट में दो करेक्टर आ रहे हैं, तो अवेकनिंग का लोग और एक सोनिया करेक्टर। तो ये जो सोनिया करेक्टर है ये उसका बंडल है। और आपको एक सिस्टम मैं अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। देखो वैसे एक मेल का बंडल है, तो मैंने आपको फीमेल का बंडल दिखाया था ना, वो उसी का एक मेल बंडल है। और एक और मैं आपको उसमें बताते हूँ, अगर आपके पास कोई करेक्टर है और उस पर अगर आपको कोई और बंडल नहीं डालना है और अगर आप उस पर डिफ़ॉल्ट बंडल डालते हो, जो मतलब कोई भी बंडल क्विप करने का ऑप्शन होता है, ऐसा होता है ना जिससे डिफ़ॉल्ट कपड़े पहन जाते हैं, अगर आप वो करोगे तो आपने जो भी करेक्टर चूज़ किया होगा उसका बंडल आपके ऊपर ऑटोमेटिकली डल जाएगा। मतलब यार अगर आपके पास होगा भी नहीं तो। ये तो नेक्स्ट बंडल है, ये फीमेल का, ये ट्रैप थीम पे बेस्ड और इसके पूरे पूरे लिंक्स हैं कि ये जुलाई या फिर अगस्त के बुआ पास में है, वैसे जुलाई में ज़्यादा चांसेस हैं। और मैंने आपको ट्रैप के बाकी बंडल नहीं दिखाए हैं क्योंकि मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा कि यार बुआ पास जुलाई का या अगस्त का। ये एक और बंडल फीमेल का जो है रैंक टोकन का बंडल, ये तो आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, अगर आपको इसे टोकन से एक्सचेंज करना है तो आप कर सकते हैं। और ये तो फीमेल का बंडल है, काफ़ी ठीक है, मतलब इसका मेल का बंडल भी ठीक था। अब ये एक और फीमेल का बंडल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये भी हमारे गोल्ड रॉयल में ऑलरेडी आ चुका है, अगर आपको चाहिए तो आप निकाल सकते हैं, वैसे बेकार है। अभी नेक्स्ट है ये बंडल। तो ये बंडल की लुक काफ़ी, ये है मिडनाइट राइडर बंडल। ये तो या तो देखो डायमंड रॉयल के इवेंट पर आ सकता है, डायमंड रॉयल पर देखो अभी जा रहा है, मतलब लास्ट डायमंड रॉयल भी हमारा आ चुका है, तो डायमंड रॉयल पर नहीं आएगा, या तो गोल्ड रॉयल पर आएगा SF टोकन में आएगा, नहीं तो ये डायमंड वाले इवेंट पे आएगा। देखो यार गोल्ड रॉयल में आना तो चाहिए, काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट है ये वाला बंडल जो नोवल परेड बंडल है, एक फीमेल का, जो मैंने भी आपको मेल बंडल दिखाता ना, ये उसकी मैचिंग का बंडल नहीं है, पहले ही बता दूँ कि आप सोचो कि यार उसका फीमेल बंडल है, ये नहीं, ये अलग है वो अलग है। तो वैसे देखो यार ये फीमेल का बंडल भी बढ़िया है। नेक्स्ट है हमारा ये मेल का बंडल जो है काफ़ी घातक है, और बर्निंग या काशी बंडल, एक लेजेंडरी बंडल है ये। तो ये मेरे को रैम्पेज थीम पे बेस्ड लग रहा है, मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है रैम्पेज पे हो सकता है, ये मेल का बंडल है जिसकी टेस्ट वगैरह सब काफ़ी बढ़िया है, और ये ऑब्वियसली डायमंड के इवेंट में आएगा। और अभी यार रैम्पेज फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज, आई थिंक फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज आनी बंद हो चुकी है क्योंकि अभी तक हो लेती है अगर आनी होती तो फ्री फायर वर्ल्ड सीरीज वगैरह तो छोड़ो, बुआ डे रैम्पेज इवेंट वगैरह भी आने वाले हैं, 6th एनिवर्सरी भी आएगी। तो यार ये रैम्पेज थीम के बंडल मुझे लग रहे हैं। देखो ये रहा उसका फीमेल वाला बंडल, और काफ़ी बढ़िया ये बंडल मुझे दिख रहा है, मतलब यार फीमेल का भी काफ़ी बढ़िया है, मेल का भी काफ़ी बढ़िया है। अगर ये डीयू में आए ना बंडल की यार सेम टाइम लगाने पर आपको दोनों बंडल मिले तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, और ये भी टोकन व्हील इवेंट में ही आएगा जितने लीक मुझे मिली है। तो फिर अपने नेक्स्ट बंडल की तरफ बढ़ते हैं।
तो देखो यह कोई ग्रीन शॉ मैट्रिक बॉय बंडल जो यार दिखने में काफ़ी कूल है। मतलब यार आजकल ना ग्रीन शर्ट या ग्रीन हुडीज वाले बंडल काफ़ी वायरल हो रहे हैं और काफ़ी लुक भी इनकी बढ़िया होती है। तो ये भी एक ग्रीन लुक का बंडल है अगर आपको चाहिए तो। मतलब यार काफ़ी कूल है और ये तो इस या तो ये FF टोकन में आएगा या तो डायमंड के इवेंट में आएगा। FF टोकन में चांस कम लग रहा है क्योंकि काफ़ी कूल बंडल है। तो अभी देखिए हमारा नेक्स्ट बंडल स्टारलाइन गोय बंडल, पता नहीं कौन सा बंडल है ये, फीमेल का है। दिखने में ये भी काफ़ी बढ़िया है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। वैसे डायमंड उड़ा के इसे मत लेना बिकॉज नो टॉप अप। और तो मतलब यार फिर से एक बार बोल देता हूँ, मत ही लेना यार अगर डायमंड उड़ा के ले रहे हो तो। मतलब अगर आपको कलेक्शन में कोई भी बंडल चाहिए बस चाहिए तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं। अभी देखो ये एक प्रोटेक्टर बंडल, जो इसका जो एक स्कार्फ टाइप है गले पे वो पानी का है। तो मतलब दिखने में काफ़ी ठीक ठीक बंडल है, पर जो इसकी पैंट है वो मुझे रिपीटेड लग रही है, पता नहीं क्यों। दिखने में लुक वाइज एक चेस्ट वाले बंडल से इसकी कैप भी काफ़ी बढ़िया आप लगा सकते हैं। और ओवरऑल बंडल ठीक है इसका। देखो ये फीमेल वाला बंडल है, ये भी काफ़ी बढ़िया बंडल है, मतलब ये भी आप ले ही सकते हो। और इसकी अभी मुझे कोई लिख नहीं निकला, इसके भी चांस हैं गोल्ड रॉयल में। पर देखो गोल्ड रॉयल में कोई दो ही बंडल आ सकते हैं, दो भी क्या एक ही बंडल आ सकते हैं। और नेक्स्ट आएगा मेल का तो या तो ये वाला आएगा या तो वो मिडनाइट वाला बंडल आएगा। तो देखिए ये एक और बंडल है, तो ये भी काफ़ी ठीक ठीक दिख रहा है, इसके पिंक पिंक बाल हैं। तो मतलब अगर इसके बाल को अगर अलग कलर दे दे तो काफ़ी ठीक ठीक बंडल है। वैसे पिंक कलर के बाल का कॉम्बिनेशन भी ठीक ही है इसका, आप देख सकते हैं ग्लासेस हेयर और बाकी सब चीज़ें काफ़ी बढ़िया हैं। तो ओवरऑल ये भी काफ़ी बढ़िया वाला बंडल है। देखिए नेक्स्ट बंडल, और ये बंडल के मैक्सिमम चांस है कि ये आएगा बुया पास में अगस्त या सितंबर के। तो देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, मतलब देखो यार इसका मुँह घोड़े वाला यूनिकॉर्न है, शर्ट है यूनिकॉर्न थीम पे, बूट्स पैंट पैंट काफ़ी बढ़िया है, हेड काफ़ी बढ़िया है। मतलब यार ये बनी बंडल की टक्कर का हो सकता है। मतलब इसका हेड, इसका जो आप देख रहे हैं फीमेल वाला बंडल, ये भी काफ़ी बढ़िया था हमको दिख रहा है, पर इसका यूनिकॉर्न वाला फेस नहीं है तो मेल वाला ज़्यादा बढ़िया है। और कॉम्बिनेशन काफ़ी बढ़िया है यार, मतलब ये तो बुया पास में लग रहा है कि आएगा। तो ओवरऑल अगर आपको ये वाला बुया पास निकालना है तो आप निकाल सकते हैं अपग्रेड करके, नहीं तो वैसे भी ठीक है अगर आपको नहीं भी चाहिए तो। देखो अभी एक और ग्रीन बंडल, ये बंडल का मुझे कुछ सिस्टम नहीं पता है। देखो एम हाई बंडल कि ये किसी इवेंट में किस में दे, पर ये बंडल है काफ़ी ज़्यादा कूल। ओपी बंडल कहते हैं ना जिसे, ग्रीन कलर में पहले भी बोला कि आजकल ग्रीन शर्ट वगैरह वाले बंडल काफ़ी वायरल हो रहे हैं, और ये भी वैसे ही बंडल है और काफ़ी ज़्यादा कूल है। तो अगर आपके पास डायमंड है और आपको कोई बंडल निकालना है तो यही वाला निकालना मेरी चॉइस है, तो बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो फिर क्या ही करें। ओके तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट बंडल की तरफ, ये उसकी उसका फीमेल वाला बंडल। हाँ पहले बता दूँ ये वाला तो बुया पास में नहीं आएगा, पूरी लेक्स पहले ही निकल चुकी हैं कि बुया पास में ये वाला बंडल तो बिल्कुल नहीं आएगा। मतलब यार काफ़ी ठीक ठीक ही है बंडल ये आपको दिख रहे हैं। और बस मतलब यार ग्रीन फीमेल वाला मत ही निकालना, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं। एक और ट्रैप थीम का बंडल, और ये भी है काफ़ी बढ़िया बंडल। और ये वाला जो ट्रैप थीम का बंडल है ना, ये आएगा 6th एनिवर्सरी के टाइम पे। मतलब यार देखो अभी जून चल रहा है और स्पाइडर मैन का इवेंट चल रहा है, जैसे ही स्पाइडर मैन का इवेंट जाएगा वैसे ही 6th एनिवर्सरी का जाएगी, और ये ट्रैप थीम का है, मतलब ट्रैप इवेंट का वो आने वाला है। एक और बार ट्रैप बंडल रिटर्न कर चुका है, मतलब आपको पता है यार दो बार इसके लूट पास आए थे। अभी इसका एक बुया पास भी आने वाला है जिसकी वीडियो आपको कल परसों तक दिख जाएगी। एक और बार रिपीट कर देता हूँ कि यार ये दो चैनल पर डलेगी, एक ऑलराउंडर और एक टीम हंटर, जो जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो शायद पता नहीं किस पे देख रहे होगे। और इसका पूरा श्रेय जाता है फ्री फायर लीग्स को, जितनी मुझे क्लिप्स मिली हैं। तो और ये उसका फीमेल वाला बंडल, मतलब यार ये तो आपको लोडिंग करने वाली लोबी पे भी दिखी गई होगी, ये वाला बंडल तो काफ़ी बढ़िया बंडल है फीमेल का भी, ठीक है। मतलब बाकी वैसे तो निकालना है तो निकाल सकते हो। और कुछ और ऐसे बंडल आपको, मतलब काफ़ी कमी बंडल अभी बचे हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूँ।
चलो फटाफट से अगले बंडल की तरफ बढ़ते हैं। और हाँ, फीमेल का मत ही निकालना ये भी। और ये नेक्स्ट बंडल तो यार काफ़ी रंगीन बंडल है। और यार क्या ही बोलूँ, मुझे इसका कोई सीन वगैरह नहीं पता है कि ये किसमें आएगा किसमें नहीं। तो नेक्स्ट बंडल की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा एक और बंडल मेल का और फीमेल का, मतलब यार मेल और फीमेल की दोनों के हमें क्लिप्स नहीं मिली, बस आउटर दिखे हैं। और यह एक जर्सी जो है काफ़ी बढ़िया कॉम्बिनेशन भी ठीक ही है, येलो और ब्लू, मतलब इतना चलने वाला कॉम्बिनेशन है। वुल्फ्रा पे काफ़ी सूट कर रहा है। ये एक ऑर्डर से रेड ब्लू, जो रेड ब्लू नहीं सॉरी रेड ब्लैक, जो काफ़ी यार बढ़िया है, कूल है काफ़ी। जर्सी निकालने हैं तो आप ये वाली निकाल सकते हो मतलब। और ये मतलब यार एक ये है जो वाइट रेड ब्लैक अलग अलग, मतलब यार देखो अभी तीन जर्सी आपको दिखा सको, तीनों बढ़िया। अभी आती है फोर्थ वाली इंडोनेशिया सर्वर्स की है, तो यार इतना कन्फर्म नहीं है कि ये हमारे इंडियन सर्वर में आएगी कि नहीं, बाकी देखते हैं। बाकी ये है बन्नी बंडल, मतलब पता है आपको काफ़ी पहले की लीक्स आ रही है कि यार बन्नी बंडल का आएगा। और यार पहले ये लग रहा था कि यार चार बनी के बंडल आ रहा है तो 5-in-1 इंक्यूबेटर आ सकता है, पर अभी ये कन्फर्म हो चुका है क्योंकि इंक्यूबेटर हमारी गेम से जा रहा है। तो फिर ये इंक्यूबेटर में नहीं आएगा, ये आएगा किसी टोकन व्हील या किसी और इवेंट में, वो भी 40 के अपडेट में। और ये 6th एनिवर्सरी के बाद आने वाला जितना मुझे पता लगा है। तो देखिए सारे के सारे बंडल काफ़ी बढ़िया है बनी के। हाँ, और इससे बढ़िया तो आपको कहीं भी लगवा से बनी बंडल एक बार आ सकते तो हो सकता है 4-in-1। बाकी ये देखो अवेकनिंग आलोक का ये बंडल है। और एक मिनट, ये इसने किसी और कैरेक्टर पे कैसे पहना दिया, हैकर, कोई बात नहीं। ये देखो अवेकनिंग आलोक का बंडल है जो ठीक ही है, पर अपने नॉर्मल आलोक का बंडल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है इससे। तो मैं तो प्रेफर करूँगा नॉर्मल आलोक का ही बंडल डाल लो या कोई और बंडल इस पर डाल लो। तो यार हमारे सारे के सारे बंडल हो चुके हैं ख़त्म ओवी 40 के। वैसे ये नहीं है कि ओवी 40 में इससे अलावा कोई और बंडल नहीं आएगा, आ सकते हैं और बंडल, बिकॉज यार अभी ओवी 40 की अपडेट ताज़ी ही आई है, तो कोई अभी अंदाज़ा हम लगा नहीं सकते कि इतने कम बंडल आएंगे ज़्यादा बंडल आएंगे। वैसे ये काफ़ी कम ही बंडल लग रहे हैं। तो अभी ये बारी है वेपन्स की। तो पहले आप जो ये स्किन देख सकते हैं, ये चार्ज बस्टर की एकदम लेजेंडरी स्किन, जो दिखने में यार काफ़ी कूल टाइप की है। इस पर थम्सअप बना है इसने मुझे यार, वो वन पंच मैन की वो M1897 वाली स्किन रहती है उसकी याद दिला दी। अभी जो आप दूसरी स्किन देख रहे हैं AC-80 की, जिसका नाम मैं फैंटम टच देख रहा हूँ, और ये भी काफ़ी कूल दिख रही है। और एक बार के लिए तो ये M1887 की लुक दे रही है, और सेम इसकी ही एक मतलब AC-80 की ही है फैंटम, पता नहीं क्या था। अब एक फार्मास की स्किन विजडम विजन, और ये जो है सोनिया थीम, सोनिया जो करेक्टर है उसके थीम पर मुझे लग रही है देखने में। और आती है अभी ये AK-47 की सिटी ऑफ फायर नाम से आती है। अभी आगे कटाना किसके, ये कटाना किसी दिखने में काफ़ी बढ़िया है, और मतलब ये फ्री मिलने के चांसेस हैं क्योंकि वो लेजेंडरी नहीं है। अभी आती है चाकू की स्किन, और यार हमें अभी तक चाकू की सिर्फ एक ही स्किन फ्री मिली है जो इतनी बढ़िया नहीं है, तो वो फ्री मिल सकती है। अभी आती है ये M500 की स्किन, और आती है ओग की स्किन जो काफ़ी ठीक है, इतने बढ़िया भी नहीं है इतने बेकार भी नहीं है। वैसे आप निकाल सकते हो अगर चाहो तो, वैसे तो मुझे निकालो। अब आगे आती है ये बाकी स्किन, और एक ओड की भी जो स्किन है, और ये तो मुझे लग रही है किसी उसकी लग रही है मुझे, या तो वो होती नहीं हाइपर, किसी हाइपर बुक में आ सकती है या तो भूया पास में भी आ सकती है कोई। ये जो M14 की स्किन है ये काफ़ी ओपी है, तो ये तो हाइपर बुक में मेरे ख्याल से नहीं आएगी। अभी आगे आपको एक दो स्किन कहें, अभी आगे आते ग्रोथा की स्किन, और मैं आपको हर एक गन एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अभी ग्रोथा के बाद आ रही है कार M124 इस गन का नाम। अब आती है P90, ये है लेजेंडरी स्किन, और इसके पूरे चांसेस हैं नेक्स्ट वेपन रॉयल में, और एक ग्रोथा के चांसेस थे। अभी आती है बनी ऑर्डर की M1887, जो हमें पूरे फ्री मिले चांसेस हैं। उसके बाद आती है ये गोल्डन न्यू SP2, और यार ये तो हमें फ्री मिली चुकी है ऑलरेडी गोल्ड आने पे। ये आती है आगे थम्स आने पे, ये तो मुझे लग रहा है तात्सु या थीम पे है, तो ये बी आर में हमें किसी रैंक पे आने को मिलेगी। अभी है एक और नाइफ की स्किन जो काफ़ी ठीक है, और ये तो फ्री में नहीं मिलेगी क्योंकि दूसरी बार नाइफ की स्किन हमें मिल सकती है। अभी आती है एक और कटाने की स्किन जो काफ़ी बढ़िया लग रही है, और ये एक और कटाने की स्किन है
और ये भुया पास में आ सकती है क्योंकि ट्रैप थीम किया है। और एक दिन मैंने आपको पीछे दिखाई थी ना, दो सिंगल हैंड बंदा कटाना पकड़ रहा था, अभी मुझे शक है कि वो कटाना ही थी या क्या था। अभी याद ये एक और चीज़ ही आकाश स्लाइड्स, पता नहीं परांगे पता नहीं क्या है। अभी ये आती है एक और स्किन जो मुझे लग रहा है ये पैन हो सकता है, बैडमिंटन की स्किन जैसा दिखने में काफ़ी बढ़िया, ये कटाना तो नहीं होगा वो। अभी देखो एक और कटाना की स्किन आती है इधर, काफ़ी बढ़िया बढ़िया, ये बूया पास में आ सकती है क्योंकि ये यूनिकॉर्न थीम पे है। अभी आता है एक और पैन की स्किन और एक स्काइथ की स्किन। पैन की तो ठीक ही ठीक है, पर जो आप स्काइथ की देख रहे हैं उसके मुझे वीडियो नहीं मिली है, वैसे ही सेम इस परांग की भी मुझे वीडियो नहीं मिली है, इस बैट और इस स्काइथ की वीडियो भी मुझे नहीं मिल पा रही है। पर देखो आप इसका जो ओवरव्यू देख पा रहे हो बाहर से, ये फिस्ट की स्किन तो आपको दिख गई होगी, और जो आप इसका बाहर से ओवरव्यू देख रहे हो उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि ये गन स्किन कितनी अच्छी होगी कितनी बेकार होगी। इस कारल की स्किन AK-47 UMP और UMP की हमें फ्री तो नहीं मिलेगी, इतना कन्फर्म बता देता हूँ मैं आपको। अभी आती है AC-80 M24 वैगर वंडर, USP वैगर वंडर, ये थीम पे काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। फामास वैगर वंडर, UG वैगर वंडर, मतलब यार काफ़ी सारे स्किन्स हैं, तो आई थिंक ये नेक्स्ट वेपन रॉयल का वो भी हो सकता है, मतलब मैं आपको बताना भूल गया था, थोड़ी देर पहले ही बता देना चाहिए था मुझे। तो यार अभी मैंने आपको काफ़ी सारे स्किन्स दिखा चुके हैं, तो अभी काफ़ी कम स्किन बची है, उनमें से ये है एक मैक्टन जो यार हमको मिलेगी किसी एक डायमंड के इवेंट में या फ्री में। अभी एक और स्किन दिखा दी थी, अभी आती है ये थिन थिन से नहीं आ रही है, कौन सी स्किन है जो AM500 आती है, ये अभी हमको गोल्ड में मिलेगी बट इन द नेक्स्ट सीजन। और अभी आती है P90 की स्किन और ये हमको फायरी फैंटेसी थीम पे, ये भी फायरी फैंटेसी थीम पे है, और ये वाली तो ऑलरेडी आ भी चुकी है हमारे वेपन रॉयल में। और किंगफिशर भी आई है एक, ये देखिए एक्सएम बेट की ब्लिजर्ड ब्रोलर स्किन, आपको देखने में स्किन कैसी लग रही है बिल्कुल अच्छे से बताना। अभी आती है एक MP5 की स्किन जो हमें मिलने वाली है बिल्कुल ही मुफ्त में थीमेंट सिस्टम से। अब आती है एक M10 की स्किन जिसके एट्रीब्यूट काफ़ी ठीक से ही थे। आती है M14 और ये AC-80 इमोटल इग्निशन जो दिखने में काफ़ी ओके, पर इसकी वीडियो नहीं मिली। और ये होने वाली है रूनस्टोन की, मतलब रूनस्टोन नहीं एक हाइपर बुक की। और ये जो पेन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे ये हमको मिलेगा उससे, मतलब रिमोट सिस्टम से स्कैच भी मिल सकता है यार, नहीं भी कुछ हम कह नहीं सकते। तो भाई जितने भी वेपन स्किन मेरे को वीडियो मिली है या मेरे ख्याल से AB40 में इतने ही वेपन आने वाले हैं, तो जितने भी वेपन आने वाले थे AB40 में मैंने आपको वो दिखा दिए। अभी बचे ग्लोबल और ग्रेनेड्स, तो यार वीडियो वैसे ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, अभी 2 मिनट की और वीडियो रह गई है, तो देख के जाना है वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना, वैसे अगर आपकी मर्जी है तभी करना, मैं बोल रहा हूँ इसलिए मत करना बिकॉज आप वैसे भी नहीं करते हो, पर कई बोलते हैं कि यार छोटा यूट्यूबर है तो कर ही देते हैं कुछ ग्रो होगा। तो देखो अभी अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तभी मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, तो आपको जिस स्क्रीन पे अभी दिख रही है ग्रेनेड की स्किन जो यार ये काफ़ी मिली हुई लग रही है, मतलब 4th या 5th एनिवर्सरी की ग्रेनेड से, अभी ये जो सेकंड वाला है ये भी मुझे जाना पहचान लग रहा है, और जो ये वाला ये वो भुया डे के उससे काफ़ी वो है सिमिलर है, और मतलब यार नेट सिमिलर से आ रही है, जो है बैडमिंटन वाली ग्रेनेड है ये उस बैडमिंटन पैन वाली स्किन से सिमिलर है, और यह एक स्पोर्ट ऑन टेम्परन ग्लूवल, और इसकी चांसेस है कि ये एक वो छोटी वाली ग्लूवल नहीं आती थी पहले वो वाली ग्लूवल हो, और ये वाली भी वैसी ही होने वाली है, मतलब यार अभी देखो कुछ कन्फर्म नहीं हुआ कि ये बड़े वाली होगी छोटे वाली होगी, वैसे मुझे लग रहा है छोटे वाली होगी क्योंकि यार काफ़ी टाइम हो गया है और इसमें देखने में भी ऐसा ही लग रहा है। तो देखते हैं कुछ दिनों में जब ये सारी ग्लूवल्स आएंगी, मतलब काफ़ी बढ़िया बढ़िया ग्लूवल्स दिख रहे हैं यार देखो ट्रैप थीम पे, ये वाली तो बिग वाली ग्लूवल होने वाली है यूनिकॉर्न वाली, और यार मतलब वैसे तो ग्लूवल एक बीआर से रिमूव हो चुकी है, अभी एक बने वाली ग्लूवल है, अभी एक ये वाली ग्लूवल है आपको दिखा देता हूँ, ये अलग से एक वीडियो चलाई है, इसमें भी अलग से वीडियो लगाई है, मतलब एडिट की है पहले, कोई रोस्ट वीडियो मत बनाना कि यार ये अलग से एडिट की हुई है, नहीं यार। तो यार जो काफ़ी ओपी इस बार हमें ग्लूवल देखने को मिल रही है, जैसे कि यार ये देख लो यार, इसकी मुझे वीडियो नहीं मिल पाई, ये थोड़ी ठीक ग्लूवल है, इसके चांस है कि यार ये भी अचीवमेंट सिस्टम में मिले या ना भी मिले, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसके थीम पे जो MP5 वो रिमोट था ना उसी थीम का है, और ये ग्रेनेड भी उसी थीम का है,
तो हो सकता है या तो हमें फ्री मिले या तो डायमंड के बदले मिले, बाकी देखी जाएगी। अभी आती है एक नॉर्मल सी ग्लोबल जिसके ऊपर हीरोइक छुपा हुआ है, और ये कंफर्म है कि यार ये तो मुझे फेक लग रही है दिखने में, तो इसका कुछ कंफर्म नहीं है कि आएगी कि नहीं। तो जितनी भी ग्लोबल का पता लगा था कि अभी छोटी अपडेट में आएगी वो सारी मैंने आपको दिखा दी। अभी अगर आपको और ऐसी ग्लोबल्स वगैरह की वीडियो देखनी है तो आप इस चैनल पर देख सकते हैं, मतलब और अब काफ़ी स्पीड में वीडियोस आने वाली हैं और कस्टम वगैरह की वीडियोस भी काफ़ी आने वाली हैं और काफ़ी अलग मोन्टाज वीडियोस भी आने वाले हैं। और कोई वीडियो चाहिए तो, और ये एक और बार रिपीट कर देता हूँ, दो चैनल पे आएगी, एक तो है ऑलराउंडर, एक है ये टीम हंटर। क्योंकि ये आप बोले कि यार ये तो देखो कोई कॉपी करके यूट्यूब पर डाल रहे बंदा, तो भाई आज के लिए इतना। और ना फ्री फायर लिख कर सब्सक्राइब करना मत भूलना, आप ऐसा उसम कंटेंट मेरे अलावा उसके चैनल पर आराम से देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आपको क्या करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, सो बाय बाय।